सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूज बॉय। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड हाँ गाइस, जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार। मुझे पता है बहुत सारे नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। मैं डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ यूट्यूबर्स एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, नहीं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज है। तो मैं बात करने वाला हूँ आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो आमिर सिद्दीकी एक टिकटॉकर है बेसिकली। अब कितने फॉलोवर्स है वो सच में नहीं जानता उनके अभी कितने फॉलोवर्स है, लेकिन इंस्टाग्राम में उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो वो एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम के IGTV में एक वीडियो अपलोड किए यूट्यूबर्स के अगेंस्ट, मतलब उन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जो यूट्यूबर्स जो है टिकटॉकर्स को रोस्ट करते हैं या फिर ट्रोल करते हैं, मतलब उन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट काफी सारे चीजों के बारे में बात की। वो बताए कि कैसे जो है यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स का नाम लेके व्यूज कमा रहे हैं, टिकटॉकर्स चाहे तो यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे चीजों के बारे में बात की। ऑल्सो वो बात की है कि कैसे जो है यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को क्रिंज कंटेंट बनाने वाले बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में यूट्यूबर्स खुद क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, ऐसा वो बताए। वो बताए कि बार बार टिकटॉकर्स के ऊपर ही रोस्ट वीडियो बना के टिकटॉकर्स को ही ट्रोल करके वो ऑटोमेटिकली वो चीज क्रिंज हो जाता है, ऐसा वो बताया है। अब मैं पूरा वीडियो तो प्ले करके नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ क्या कहे आमिर सिद्दीकी। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूं ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोज लेके हमारे ही वीडियोज से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज x100 हो गया। और गाइस सेकेंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो, क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, जो कि आप लोग नहीं करते हो। हम लोग जरूर देंगे आप लोग को इज्जत। तो गुरु जी धन्यवाद। आप सारे यूट्यूबर्स भी तो आ चुके हो यहाँ पे, तो वो जगह को रोस्ट करके और वो जगह के बारे में गलत बात करके फिर तुम उधर ही वीडियोस डाल रहे हो, तो यार आप लोगों का क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा तो यही कहना है कि यार टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स में कंपैरिजन बनता ही नहीं है बॉस, एंड ना कभी बनेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार कल अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे एंड वो बात किए ये जो डिस कल्चर वगैरह, अभी जो डिस गेम वगैरह चल रहा है उसके बारे में, एंड ऑल्सो रफ्तार बात किए उनके हेटर्स के बारे में। जी हाँ, और भी बहुत सारे चीजों के बारे में बात किए है, वो सारे चीज तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन यही मुझे लगा कि मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ रफ्तार क्या कहे। कल्चर के साथ ही है क्या डिस करना, लड़ाई करना, चाहे वेस्ट से आया है सब कुछ, बट बाकी जितने भी ऑनर के आर्टिस्ट हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ब्रो, अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम लोग एक दूसरे को फिजिकली नहीं मारते, समझ रहे हो, नोबडी इज रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। कलम की लड़ाई है, लोग कलम से आपस में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे लोग जब एक दूसरे से डिस करते हैं, बीफ करते हैं, तो बहुत बड़े रीजंस, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ करते हैं। यहां पे अगर किसी का नाम ले दिया तो बस मसाला, कंट्रोवर्सी, फन, ड्रामा। आपको पता है हमारे देश के सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाले शो कौन से हैं, तो आप पूरे देश की मेंटालिटी भी समझ सकते हैं मेजॉरिटी की, तो फिर उस चीज को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो इनकी ना गलती नहीं है कि ये हमें हेट करते हैं। आई टेल यू व्हाई यूबी भाई, क्योंकि
ये अपने फेवरेट आर्टिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं, जो इनका फेवरेट कलाकार है ये उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए लड़ रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, ये हमें हेट नहीं करते, ये सिर्फ अपने फेवरेट को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर, मतलब ये काफी इनमें से लोग ना हमारी लाइफ की जर्नी के पार्ट ले रहे, इनको पता नहीं है कि हम कहां से आए, कहां से उभरे हैं, कितना समय निकला है, तो वो हमारे साथ उतना कनेक्ट होकर रेजोनेट नहीं कर पाते, वो शायद अपने हम उम्र के साथ ज्यादा रेजोनेट करते हैं। तो इसलिए किसी को भी ये बोल देना कि भाई ये अपने हेटर है इज नॉट राइट, एक्चुअली हेटर नहीं होते, एक्चुअली अपने फेवरेट आर्टिस्ट के डिफेंडर होते हैं, विच इज वेरी गुड। उस आर्टिस्ट की खासियत है कि भाई उसने इतने बंदे इस तरीके से जोड़े कि उसके बंदे उसको डिफेंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं नाम ले देता हूँ, चाहे वो एमयूए हो, चाहे वो इक्का हो, चाहे हनी भाई हो, चाहे यू नो एनी ऑफ, चाहे गोलू हो, चाहे कोई भी हो, एनी ऑफ दीज गाइस, अगर वो एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं तो वेरी गुड, यू आर स्टैंडिंग फॉर समथिंग। तो इसलिए लाइक आई डोंट गेट एंग्री एट इट। अब हिप हॉप कम्युनिटी का बात चल रहा है तो अब बात कर लेता हूँ एमयूए बंटाय वर्सेस डिवाइन के बीच जो चल रहा है अभी उसके बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कुछ दिन पहले डिवाइन एमयूए बंटाय के अगेंस्ट एक डिस्ट्रैक रिलीज किए थे, लेकिन उसका एमयूए बंटाय की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद डिवाइन कल फिर एमयूए बंटाय के अगेंस्ट डिस्ट्रैक रिलीज किए, जी हाँ, जिसका टाइटल है सच बोल पट्टा। बहुत सारे चीजों के बारे में बात किए डिवाइन इस डिस्ट्रैक में, वो यहाँ पर ऑल्सो बात किए एमयूए बंटाय के एक्स गर्लफ्रेंड मुक्ता के बारे में। एग्जैक्टली डिवाइन क्या बताए उसके लिए डिवाइन के डिस्ट्रैक का ये छोटा सा पार्ट में आपको दिखा देता हूँ। साथ में आता था गली बॉय के सेट पे, तू चाटने आता था, मेरे गाने बजते तू साथ में गाता था, एक्स का भी मैसेज मुझे रात में आता था, डिमांड में मैं रिमांड में लो, बंदे लड़ोगी तू चिल्ला के सो, बचकाने किस कर फिर हिला के सो। तो इसके ऊपर जो है मुक्ता के भी रिएक्ट की, जी हाँ, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट की थी, कितनी लड़कियां हैं इंडस्ट्री में जो रैपर्स के साथ होती है, बट कभी सोचा व्हाई पीपल ऑलवेज टेक ओनली माय नेम, कॉज आई एम फकिंग हॉट हनी एंड योर एक्स कैंट इवन कम क्लोज टू माय हॉटनेस, दैट्स अ फैक्ट एंड आई लिव बाय दैट, एंड फॉर दोस टॉकिंग शिट स्वीट हार्ट ही एटलीस्ट हैड अ हॉट एक्स यू कैन सिट अबाउट इन योर ट्रैक्स, तुम्हारी तो उतनी भी औकात नहीं है, आई नो इट मस्ट बी रियली हर्टफुल कि यू कुड नॉट इवन टच माय फ्लेम। जैसा कि आपने देखा मुक्ता के का रिप्लाई डिवाइन के डिस्ट्रैक्ट के ऊपर, आपको बता दूं एमयूए बंटाय भी जो है उस डिस्ट्रैक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली रिएक्ट किए हैं। जी हाँ, एमयूए बंटाय अपने पुराने सॉन्ग मजाक है क्या को पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, मतलब शेयर किए थे, एंड लिखे फॉर दोज हु डिड नॉट अंडरस्टूड दिस सॉन्ग, मैं ये रैपर से कहता हूँ बंद कर दो रैप, तुम लोग में भूख नहीं है। आपको बता दूं एमयूए बंटाय ये इंस्टाग्राम स्टोरी डिवाइन के डिस्ट्रैक्ट रिलीज होने के बाद पोस्ट किए थे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे एमयूए बंटाय किसको पोक किए हैं, ऑब्वियसली डिवाइन को। सो या आप लोगों का क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, मैं बात करने वाला हूं रॉनी के बारे में। तो रॉनी दो दिन पहले जब अपने सेकंड चैनल गेमिंग चैनल पर जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो बीच में जो है कुछ ऐसा दिख जाता है जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ये देखने के बाद जो है बहुत सारे लोग बोलने लगे कि रॉनी का जो है सेकंड चैनल हैक हो गया बोल के, एंड उसके बाद रॉनी के व्यूअर जो है अलग अलग यूट्यूबर्स के लाइव स्ट्रीम में जाके स्पैम कर रहे थे। लेकिन रॉनी इस चीज के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिए थे कि उनके चैनल के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन आज रॉनी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट किया कि उनके चैनल के साथ कुछ नहीं हुआ, उनका चैनल अभी सेफ है, उनका चैनल जो है हैक नहीं हुआ था। हाँ, कुछ लोग जो है लॉग इन करने का ट्राई कर रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए, एंड जो दो दिन पहले स्ट्रीम में हुआ था वो एग्जैक्टली रॉनी को भी नहीं पता कि क्या हुआ था। एंड ऑल्सो वो एक रीजन दिया है कि वो दो दिन से क्यों अपडेट नहीं कर रहे थे अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने फॉलोअर्स को, उसका रीजन दिया है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पोस्ट करके सकते हो। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहे कि उनका चैनल हैक नहीं हुआ था, उनका चैनल सेफ है। तो जितने भी रॉनी के फैंस टेंशन में थे, यार टेंशन मत लो, उनका चैनल सेफ है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मैं बात करने वाला हूँ अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम में Q&A कर रहे थे, तो किसी ने उनसे उनके वेब सीरीज के बारे में पूछा। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले अमित भड़ाना ने अनाउंस किया था कि वो बहुत ही जल्द अपने चैनल पर वेब सीरीज लाने वाले बोल के, तो उसी के बारे में पूछा था एक बंदे ने। तो आप भी देखिए अमित भड़ाना क्या कर, बस खत्म होने को है भाई, और 20 मिलियन के बाद आएगी, अभी तो वही कंटेंट आएंगे जो 20 मिलियन तक जाएंगे, फिर उसके बाद बहुत कुछ आएगा 20 मिलियन के बाद, बहुत कुछ, बहुत ही ज़्यादा। ऑल्सो अमित भड़ाना से उनसे नए वीडियो के बारे में पूछा कि उनका नया वीडियो कब आएगा बोल के, तो आप भी देखिए अमित भड़ाना क्या कहे। ना ना, अभी कोई मन नहीं है कुछ भी अपलोड करने का यूट्यूब पर, देश के हालातों को देखते हुए लॉकडाउन के बाद कुछ सोचते हैं, और अभी 2-3 वीडियो शूट कर रखे हैं लेकिन ना एडिट करने का मन है ना पोस्ट करने का। जैसे कि अमित भड़ाना बताए लॉकडाउन के चलते उनका मन नहीं है वीडियो अपलोड करने का, तो शायद अमित भड़ाना ये लॉकडाउन के चलते उनका नया वीडियो अपलोड ना करे अपने चैनल पर। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के पलघर के एक इंसिडेंट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये इंसिडेंट का केस न्यूज में सुन लिया होगा या फिर देख लिया होगा, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था बोल के। तो बेसिकली पलघर के एक गांव में जो है दो साधु ने एक ड्राइवर को जो है मार डाला वहां के विलेजर्स ने, मतलब वहां के गांव वालों ने। एग्जैक्टली क्या हुआ था अगर आपको नहीं पता तो एक वीडियो का लिंक मैंने
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए, आपको पूरा स्टोरी समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था पलघर डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए इक्का अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए ये लिखे, नरेंद्र मोदी जी कार्यवाही चाहिए, इस पर जल्द से जल्द आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये गुंडा राज नहीं चलेगा। फिर रफ्तार अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए, आई होप द पीपल रिस्पॉन्सिबल आर डेल्ट विद स्ट्रिक्टली, ये इंसानियत का नंगा नाच है, अब तो शांत भी सुरक्षित नहीं, शेम। ऑल्सो हिंदुस्तानी भाव भी उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक IGTV वीडियो अपलोड किया है, पूरा वीडियो तो मैं प्ले नहीं कर सकता इसलिए मैं हिंदुस्तानी भाव के वीडियो का ये छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूँ। एंड हाँ, ईयरफोन जरूर लगा लेना क्योंकि गालियां बहुत ज्यादा है। दोस्तों, दो दिन पहला जो पालघर में किस बेरहमी से जो साधु संतों को और उनके ड्राइवर को मारा गया, कुछ हराम के भड़वे जो देश में गंदगी फैला रहे, इनकी माँ का चूत, इनकी माँ का भोसड़ा, इनकी, और वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर से उनको बाहर लाके वो साधु संत को मारा गया, वो पुलिस स्टेशन में दो कांस्टेबल, हाँ, कितनी इतनी बड़ी तुम्हारे गांड में दांत आ गए माधर चोदो, कि आज पुलिस का ये कानून का भी खौफ नहीं तुम्हारे को। ये भड़वे जो भी है ना, इनकी कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं इनका। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था मैं, जब तबरेज अंसारी के साथ हुआ था, उनकी भी कोई जात नहीं थी, उनका भी कोई धर्म नहीं था, और इनका भी कोई धर्म और इनकी जात नहीं है। ये गंदगी है मादर चोदों की, जो ये हिंदुस्तान इनको संभाल रहा है, ये गंदगी है मादर चोद। और क्या गलती है वो पुलिस वालों का, क्या गलती है वो पुलिस वालों का, जो लॉकडाउन केस में, कोरोना केस में अपना फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीबी को, माँ बाप को छोड़ के 24 घंटा बेचारे कौन से हाल में अपनी सेवा में इधर है, हा? वो अकेला एक मैं देखा कांस्टेबल, बुजुर्ग आदमी है, हा? वो 250 लोग, वो अकेला कांस्टेबल क्या करेगा। उसने ये जो किया आज, इतना कोरोना केस में जो अपना घरदार छोड़ के अपनी सेवा किया, उसका तुम लोग ने उसको इतना बड़ा इनाम दिया, सस्पेंड कर दिया, कभी आप लोग वहां पे खड़ा रह के करके बताओ ना ये सब। गांड तो इनकी मारो ना मादर चोदों की, 110 लोगों के ऊपर FIR बनाए, कितने लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है पता नहीं, पर गांड तो इनकी मारनी चाहिए ना। तो पुलिस वाले का क्या गलती है, हाँ, तुम्हारे को खौफ नहीं है ना कुछ भी, कानून का, कानून क्या है तुम्हारे को नहीं पता ना, पता चलेगा, पता चलेगा तुम लोग को, तुम लोग की माँ की छूत तुम्हारी, पता चलेगा। सो यार, आप लोगों का क्या कहना है इस पे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार, आज के लिए बस इतना ही न्यूज था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। एंड इसी तरह के यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।